गुड मॉर्निंग गाइज, हैप्पी वाला संडे। मैं उठ गई थी एक दो घंटा पहले ही, जस्ट ऐसी पड़ी हुई थी, लेकिन उठने का मन नहीं करता है ना, वैसा वाला दिन है आज। बालों को कल प्रीपू कर दिया था और आज मुझे वॉश करना है। एक्चुअली मेरे बाल में ना प्रोटीन चाहिए, जेलेटिन ट्रीटमेंट करना है, तो मैं अभी नहीं करूँगी, मैं मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक करूँगी, यही बात है। पर अभी मुझे, मैंने फेस वॉश तो कर लिया है, मुझे थोड़ा सा टोनर लगाना है, जो मैंने आपको दिखाया ही है, मैं ये वाला टोनर लगाती हूँ। और अभी नया एक प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये है ये रेकविल का अंडर आई क्रीम, जो कि कहता है कि डार्क सर्कल को, पफिनेस को, फाइन लाइन्स को इसे हटा देगा। लेकिन मैं एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मैं और भी कुछ दिन यूज़ करूँगी, लाइक एक महीना यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। ये देखो, उसका प्राइस काफ़ी महंगा है, मुझे महंगा लगा, लेकिन अगर वर्थ है तो महंगा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बकवास है तो महंगा लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो मैं थोड़ा सा फेस केयर करूँगी और उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। मैं फेस केयर पहले कर लेती हूँ। संडे का काम करने जा रही हूँ वो है डस्टबिन फेंकना। कल ही करना था, लेकिन कल पता नहीं क्यों नहीं किया, याद ही नहीं आ रहा है। मेरे जूता ना बहुत स्लिपरी है, मुझे लग रहा है मैं कभी भी गिर जाऊँगी, तो इसलिए धीरे धीरे चल रही हूँ, क्योंकि ये सीढ़ी भी थोड़ा सा स्लिपरी है इसलिए। और क्योंकि रिसेंटली बारिश हुआ है तो अच्छा वाला ग्रीनरी है एकदम आस पास में, अच्छा लगता है। देखो सुंदर लड़की। DIYs करने से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि मुझे बाद में बहुत सारा बर्तन धोना पड़ता है। तो देखो, अभी मैंने एक हिबिस्कस जेल वाला वीडियो बनाया, थोड़ा सा जेल बाकी रह गया है, इसे धोना है, बहुत सारा बर्तन हो जाता है यार, गुस्सा आता है। मैं बना रही हूँ आज दाल गोश्त। मेरा ये दाल गोश्त के साथ रिलेशन कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ आपको, एक्चुअली शुरुआत से बताती हूँ, आपको सबको पता होगा, मैंने हॉस्टल पे मेरे 4 साल बिताए हैं विद माय बेस्ट फ्रेंड। 3 साल के लिए वो मेरे साथ थी, मतलब हम रूममेट्स थे, ब्लूमी के साथ मैं रूममेट थी। तो हमें कभी भी मेस पे अच्छा खाना नहीं मिलता था, हमारा खाना कभी भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन सच बोल रही हूँ, अभी मुझे फील होता है कि वो खाना भी अच्छा था, लेकिन उस मोमेंट में ना हमें वो खाना अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज हमारा फूड हैबिट दोनों का ही अलग था हॉस्टल के मेस में खाने से, और हमें डब्बा टाइप आता था। तो एक फूड जब आता था तब तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और वो है ये। मुझे तब पता नहीं था इसे दाल गोश्त कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत चिकन मटन दिख जाता था, और उसके साथ थोड़ा मैं उसे चावल खा सकती थी, तो इसलिए मुझे इस फूड के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो आज वही मैं बना रही हूँ। बहुत लेट हो गया एक्चुअली खाना बनाते बनाते, क्योंकि वीडियो शूट कर रही थी और अभी मुझे फिर से वीडियो शूट करना है, तो थोड़ा सा मुझे अभी प्लान करना पड़ेगा कि मैं कैसे करूँगी। और थोड़ा सा आज मुझे वीकनेस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, तबीयत थोड़ी सी शायद डाउन है, कि अंदर से थोड़ा सा लग रहा है कि बुखार है, और आजकल थोड़ा सा बुखार टाइप लगने से भी डर लगता है, आप सबको भी लगता होगा, और उसके साथ अगर और कुछ सिम्टम्स आ जाए तो और भी ज़्यादा लगता है। तो आई डोंट नो मैं अच्छे से आपको वीडियो दिखा पाऊँगी या नहीं, लेकिन मुझे ये जो DIY वीडियो है ये तो मुझे शूट करना ही करना है, क्योंकि मैंने बना के ऑलरेडी रखा है, मुझे बस लगाना है। तो इसलिए तो सोच रही हूँ कि कुकर पे दाल को बॉईल करने दे दूँगी, और इस बीच मैं कम से कम हेड वॉश ले लूँगी, तो मैंने सोचा है, पता नहीं कब तक मतलब कर पाऊँगी या नहीं। यहाँ पे खाना बना रही हूँ तो इसीलिए थोड़ा सा मेस्ड अप है, इसलिए मैं नहीं दिखा सकती कि आपको क्या चल रहा है, लेकिन दाल गोश्त बनने के लिए दाल बॉयल हो चुका है, चिकन यहाँ पे बनेगा, देन हो जाएगा। दाल गोश्त बनाना बहुत ईजी है, थोड़ा सा मसाला आपको चाहिए होता है तो वही पहले मैं बना के रख रही हूँ, ताकि बाद में और मुझे हड़बड़ ना लगे। सो अभी जस्ट नहा के आई हूँ, और एक न्यूज़ जस्ट अभी देखा, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। सारे लोग हैं बोल रहे हैं कि कैसा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम सच में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमें उनका हालत नहीं पता। सो स्टॉप जजिंग पीपल, हो सके तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप थोड़ा सा प्रे करें, यही आप कर सकते हैं, तो जज करना बंद करो लोगों को। ये है दाल गोश्त, और यही था मेरा सिंपल सा संडे का लंच प्लेट, दाल गोश्त राइस और अचार। अभी तो शाम का टाइम है, चाय बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। मेरा यहाँ पे जो वार्डरोब है इसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
मैं ये वाला लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहा के आने के बाद मैं भूल गई थी लगाना, इसलिए कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा लेकिन मुझे टेस्ट करना है। बनाऊंगी चाय, अभी पियेंगे चाय। और देखो आज मैंने नेचुरली मेरे बालों को ट्रीट किया तो मेरे बाल कुछ हुए हैं ऐसे। सो जस्ट शाम हुआ है, बारिश भी शुरू हो गया है, यहाँ पे कपड़े उठाना था मुझे और अभी चाय बनाऊंगी। मैं थोड़ी देर पहले बोली थी चाय बनाऊंगी लेकिन मैंने अभी तक नहीं बनाया है। एक्चुअली जब से मैंने सुशांत सिंह राजपूत का डेथ वाला न्यूज़ सुना है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी, बट किसी का भी डेथ सुनने से जो लगता है ना तो वही हो रहा है, अच्छा नहीं लगता एकदम से। मैं सोच रही हूँ मैं वीडियो एडिट करूँगी ताकि मैं ये सब चीज़ भूल पाऊँ। और बाहर बारिश हो रही है, मुझे पूजा भी देना है। अच्छा हुआ ये टेबल होके, पता है यहाँ पे मैं ट्राइपॉड रख के शूट कर सकती हूँ अच्छा वाला। और मेरे बाल देखो, नेचुरली आज मैंने मेरे बाल को ट्रीट किया है, हर चीज़ DIY है। वीडियो आपके साथ बहुत जल्दी चले जाएगा, ऑब्वियसली इस वीडियो के पहले ही वो वीडियो चले जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि होम रेमेडीज़ का क्या जादू होता है। एक्चुअली थोड़ा सा दही बचा हुआ था तो मैंने उसका लस्सी बना लिया और अभी मैं पी रही हूँ। अभी नहीं पीना चाहिए मुझे लेकिन होता है ना कि घर का चीज़ होने से लगता है कि वेस्ट होने से बेटर कि खा लो या फिर पी लो, वैसा ही हो गया। आप किसी किसे ये पसंद है मुझे बताना। बंगाली में इसको क्या कहते हैं पता नहीं क्या कहते हैं, बताना क्या कहते हैं। आज अच्छा व्लॉग नहीं बनाना, हाँ नहीं बना मुझे पता है, क्योंकि आज मैं भी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दोज न्यूज़। अभी मैंने बोनेट क्यों पहना है आपको पता होगा, मैं कर्ली गर्ल मेथड फॉलो करती हूँ तो बहुत दिनों बाद आज मुझे बोनेट पहनने का थोड़ा मन कर गया, अदरवाइज़ गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं शाम से एडिट, शाम भी नहीं कह सकते आप, मैं 8 बजे से बस एडिट करने बैठी हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ अगर हम न्यूज़ सुनते हैं ना हम मेंटली वीक हो जाते हैं, मैं भी हो गई हूँ। इवन इनफैक्ट मेरे जो भी सारे फ्रेंड्स आज मुझसे बात कर रहे हैं हर कोई यही बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में और क्या होगा। मैं कल ही आपको बोल रही थी कि मैं फ्यूचर को लेकर इतना नहीं सोचती हूँ, मैं फ्यूचर को लेकर अभी भी नहीं सोचती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा पता नहीं क्यों बस समझ गया रहा होगा मैं आपको क्या बोलूँ। और तो अभी मैं डिनर करूँगी, मैं आपको अच्छे से आज दिखा भी नहीं पाई कि मैंने क्या बनाया था। तो मैंने बनाया था दाल गोश्त और चावल, तो मैं वही अभी खाऊंगी और कल के लिए भी मेरा बन गया है। कल ऑफिस है, मेरा किचन बहुत मैसी पड़ा है और बहुत सारा बर्तन हुआ है धोने के लिए, मैं आज तो नहीं धोऊँगी कल ही धोती हूँ। कल फिर से ऑफिस है और मैं तो आपको मिलूँगी वीकेंड ब्लॉग पे ही नेक्स्ट। मेरे ब्लॉग बहुत लेट लेट जा रहे हैं, मैं अभी इनफैक्ट जून में अप्रैल का ब्लॉग दे रही हूँ, ठीक है धीरे धीरे वो भी मिल जाएंगे आपको, आप लोग समझ जाओगे मुझे पता है, तो मैं इतना चाप नहीं ले रही हूँ। और ना भूख उतना ज़्यादा नहीं है, और एक बात है मेरे जब मैं टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हूँ ना तो मुझे ना हाथ पे क्रैम्प्स होता है, मुझे वही हो रहा है, बहुत क्रैम्प्स हो रहा है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है यार हाथ पे इतना क्रैम्प्स हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा मूव लगा लेती हूँ हाथ पे, यही सोचा है, बहुत देर से सोच रही थी लगाऊंगी लेकिन मूव नहीं मिल रहा। मेरा घर का हालत बहुत ख़राब है, स्पेशली मेरा ये वार्डरोब है ना ये बस टफ हुआ है चीज़ों से। मैं मेरे छोटे भाई को बुला रही हूँ कि तुम आ जाओ, एक्चुअली बहुत थोड़ा लोनली भी फील कर रही हूँ आज, होता है मेरे साथ कभी कभी, मुझे लगता है सबके साथ ही होता है जो अकेले रहते हैं, और जो अकेले रह के भी मनोबल आगे रखते हैं मैं उनको सलूट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत वीक हो रही हूँ कभी कभी आजकल। एक तो एक लॉकडाउन ने पूरा हमें अंस, ये देखो ये लगा रही हूँ अभी, तो ये लॉकडाउन ने ना हमें एक मिनट आपको सुनाई में देखूँगा, बहुत दर्द हो रहा है एक्चुअली हाथ पे। ये बैक पेन के लिए लाया था एक्चुअली, आपको मैंने बताया ना मुझे बहुत बैक पेन हो रहा है कुछ दिन से, तो पेन किलर और मुझे लेना पड़ रहा है। जो भी सारे लोग अकेले रहते हो प्लीज़ सेफ रहो खुश रहो। क्या हुआ पता है, आज एडिटिंग पूरा हो गया था और उसके बाद मैं जाकर देखती हूँ कि एडिटिंग मैं आधा व्लॉग मैं आधा एडिट करी नहीं, देन फिर से मुझे री एडिट करना पड़ा। अभी
एंड अभी मैं सो रही हूँ। मैं आज कुछ भी फेस केयर और नहीं कर रही हूँ, जस्ट अंडर आई क्रीम लगा रही हूँ। सॉरी, ये उंगली से करना पड़ेगा, लेकिन अभी मुझे प्रिपरेशन करना है सोने का। कम से कम बेड में जाना तो पड़ेगा, अदरवाइज बहुत देर हो जाएगा और कल ऑफिस में बहुत सारा काम है। तो ठीक है, चलो अभी मेरे ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग खुश रहना, सुरक्षित रहना, और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है बात करिए किसी के साथ। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।